हेलो एवरीवन आप सब लोगों का स्वागत है जीनोमेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फटाफट फड़ से आप लोग कनेक्ट हो जाएं बिल्कुल गुड इवनिंग सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग गुड इवनिंग आप सभी लोगों का तय दिल से स्वागत है जीनोमेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और आज हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन फॉर द नोट सेट नोट सेट की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए आप सब लोगों के लिए हम लोग प्रयास करके कुछ टॉपिक्स की लिस्ट लाए हैं जो हमारे हिसाब से और मेरे हिसाब से नौर सेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे बार बार पूछ रहे थे टाइम कम है सर क्या पढ़े टाइम कम है क्या पढ़ना है तो देखो वैसे तो पूरा पढ़ना है तुम्हें मैं फिर कह रहा हूं वैसे तुम्हें पूरा पढ़ना होता है पर तुम्हें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे ज्यादा ध्यान देना है कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पे ज्यादा ध्यान देना है मतलब उन टॉपिक्स को आप जब पढ़ो तो इस बात का ख्याल में आए कि ये टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और आएगा अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आपने वो चैप्टर पूरा किया तो आपकी अटेंशन स्पान भी बढ़ेगा और आपका उस टॉपिक पर कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा टॉपिक पर कंसंट्रेशन बढ़े तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा अच्छे से याद हो जाएगा एग्ज़ाम में अच्छे से टिक कर दोगे एग्ज़ाम में अच्छे से टिक कर दोगे आवाज़ सुनते ही एनर्जी मिल गई बच्चे एनर्जी मिलती रहेगी आप सब लोगों के लिए ही हम सब लोग यहाँ पर हैं क्वेश्चन कोशिश यही है मेरी कि आज जो आपको टॉपिक होने वाला है ये लाइव है तो ध्यान में रखना पहली चीज और दूसरी चीज बच्चे ये है कि आपको इसमें जो भी पॉइंट्स हैं जितने भी मैंने आपको लिखा है जैसे कि सामने दिख रहा है दैट आर द ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेट और एम्स के हिसाब से जिनमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे ये मेरा एनालाइज थे पिछले कई साल के पेपर को देखकर और मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो मुझे लगता है अब मुझे लगता है हो सकता है तो एम्स वाले को लग भी सकता है नहीं भी लगे पर लगेगा पर लगेगा ऐसा है तो इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आज मैं आपके सामने आठ सब्जेक्ट को जो टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं आठ एट सब्जेक्ट्स के मैं आपको इंपोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कि ये टॉपिक है इनको ज्यादा ध्यान से पढ़ लेना सर जी बहुत खुशी हुई आपको लाइव देखकर थैंक्स बच्चे अन्य तोमर नोट सेट की डेट फिक्स हुआ क्या सर नहीं नहीं अभी कोई फिक्स नहीं देखो जब तक है ये मान के चलो कि जून में है मान के चलो सारी दुनिया मान रही है तुम भी मान लो कि जून में प्रॉब्लम ही नहीं बच्चे तो तुम भी मान लो जून में राम राम बेटा सबको गुड इवनिंग फटाफट सब, फड़ सब लोग कनेक्ट हो जाए भाई ने बोला है तो वही होगा बिल्कुल ये टोटल में आपको आज की डेट में टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एट सब्जेक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इन एट सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में जो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग है उसके बारे में बात करेंगे सेकेंड नंबर पर हम बात करेंगे बच्चे फार्मा फार्मे फार्मास्यूटिकल के अंदर जो भी टॉपिक है जो फार्मेकोलॉजी के जो टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार पूछ सकते हैं कौन कौन से, से पहले पूछ चुका है एग्जाम में उनके बारे में हम बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्स के बारे में सी एच एन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में ठीक है बच्चे उसके बाद हम बात करेंगे साइकेट्रिक के बारे में देन हम बात करेंगे बच्चे पीडियाट्रिक के बारे में फिर हम बात करेंगे एम के बारे में हम इन सब के बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चे समझ आ रहा है ना तो फंडामेंटल फार्मासी एच एन साइकेट्रिक पीडियाट्रिक एम फिर हम पढ़ेंगे ओ के बारे में और लास्ट में हम देखेंगे रिसर्च एंड मैनेजमेंट के बारे में ये है हमारे टोटल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि एग्ज़ाम के कवर करने हैं और काफ़ी ऐप आई में नहीं चलता नहीं बच्चे आई में नहीं चलता गरीबों वाला ऐप है हमारा अमीरों वाला है नहीं पर अगर तुम कुछ लोग अमीर मिल गए हो तो मैं बहुत जल्दी इसको शुरू करने जा रहा हूँ आई में भी ठीक है बच्चे आप परेशान मत हो जय महाकाल गुरुदेव जय महाकाल बेटा ठीक है तो आज इन टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं तो इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले वन बाय वन वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट तो मेरी बात टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूं और सबसे पहला हम जो टॉपिक लेके आए हैं सबसे पहला हम जो सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं माय फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज एफ ओ एन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में सबसे पहले जो सबसे मैं ध्यान रखना आज मैं आपको वन फोर्टी एट टॉपिक्स बताऊंगा मैं आपको 148 टॉपिक की लिस्ट बता मैं आप इसे 150 भी कर सकता था मुझे दो इंपोर्टेंट नहीं लगे मुझे जितने लगे मैंने उतने तो लिखे ये एक होते तो मैं एक पे रोक देता एक होते तो एक पे रोक देता एक पे रुका तो एक छोड़ दिए ऐसा नहीं है कि पूरा करने के लिए दो टॉपिक और बढ़ा दूं नहीं वैसा काम नहीं है समझ आए बच्चे तो सबसे पहले 148 टॉपिक के बारे में बात करेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको एग्जाम में इसी में से 150 से 180 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं अगर सब ठीक है तो देखो ब्लैक बाई चांस है पर मेरा कोशिश यह है कि मैं उन टॉपिक के बारे में बात करूं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो अगर एक टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करके आपको बता रहा हूं तो एक टॉपिक में से आपको लगभग 150 से ऊपर ही क्वेश्चन मिलेंगे मोर देन 150 और इतने क्वेश्चन आपको मिल जाएं, इतना कम पढ़ने से आपने कहा सर 148 तो बहुत ज्यादा चैप्टर होते हैं सौ अड़तालीस तो डिजीज है में, में। बहुत ज्यादा चैप्टर हुए और मैं आठ सब्जेक्ट में बता रहा हूं, एक तो अगर मैं राउंड फिगर में बात करूं तो लगभग एक को कितने पढ़ रहे हैं बीस से भी कम यानी पंद्रह सोलह टॉपिक पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट को समझा रहे जब पंद्रह सोलह क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पंद्रह सोलह टॉपिक ही बच रहे हैं एक सब्जेक्ट में तो ये तो कुछ भी नहीं है ये तो बहुत इजी है समझ में आ रहा है तो मैंने बहुत एनालिस के बाद ये टॉपिक बताए हैं तो so, मतलब आप इन टॉपिक को ध्यान से सुन लेना काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है so, तो वन बाई वन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला टॉपिक हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम जो बता रहे हैं उसका नाम बच्चे कैथेटराइजेशन आपने कहा सर इसमें से क्या पूछेगा नर्सिंग केयर नर्सिंग रोल या नर्सिंग केयर कि ये पूछेगा कैथेटराइजेशन के टाइम पे नर्स को

याद रखिएगा कौन सा बेटा बेडसोर अब ये जो बेडसोर है वो बेडसोर में क्या पूछेगा देखो बेडसोर में पूछ सकता है स्केल बेडन स्केल आपको पढ़ा होगा इसमें पूछ सकता है आपसे कॉजेज क्या है किसके बेडसोर के और वो ये पूछ सकता है कि इस टाइम पर नर्सिंग केयर क्या करोगे किस टाइम पे बेडसोर के टाइम पे तो पहला टॉपिक बेटा क्या था कैथेटराइजेशन दूसरा टॉपिक क्या है बेडसोर आफ्टर बेडसोर नंबर थर्ड टॉपिक ऑफ द फंडामेंटल इज एनजीट्यू एनजी ट्यूब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सब में याद रखना दो ही चीज सबसे ट्रे व्रे का क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि एनजी ट्यूब को हम डालने जा रहे हैं तो ट्रे में क्या होना चाहिए ये सब नहीं पूछेगा ना एनजी ट्यूब क्या होती है ये पूछेगा वो पूछेगा एनजी ट्यूब का प्रोसीजर और एनजी ट्यूब में नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट्स इट समझ आए बच्चे तो आपको अगर इन टॉपिक के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना तो आप उन टॉपिक पर ध्यान दो जो नर्सिंग आस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है समझा बच्चे तो एनजी ट्यूब नंबर थर्ड पे है नंबर फोर्थ का टॉपिक बच्चे कौन सा है लिवर बायोप्सी कौन सा है लिवर बायोप्सी नंबर फोर्थ पे है लिवर बायोप्सी याद रखिएगा जो मैं टॉपिक बोल रहा हूं आपको बच्चे जो सेट होगा वो होता रहेगा अभी तो आप पढ़ लीजिए कौन सा कहा होगा बात अब छोड़ो आप जून में मान के तैयारी कर रहे हैं ना हम लोग तो जून में मान के आप भी तैयारी करो तो अगला बेटा कौन सा होगा लिवर बायोप्सी लिवर बायोप्सी में खासकर कौन सी पूछेगा पोस्ट प्रोसीजर केयर पूछेगा बच्चे पोस्ट प्रोसीजर केयर अगर, अगर तो क्या -क्या, के।, के बाद कौन सी पोजीशन देते हैं के ये पूछ सकता है। रहा है? तो इन क्वेश्चन को आपको कितना भी घुमाएर आपको लिवर बायोप्सी याद है तो आपका आंसर गलत नहीं होगा समझ में आए बच्चे तो याद रखना तो अगला कौन सा है लिवर बायोप्सी लिवर बायोप्सी के बाद अगला है टॉपिक कौन सा बच्चे दैट इज पैरासेंटेसिस कौन सा है पैरासेंटेसिस के बाद कौन सा है पैरासेंटेसिस आई होप आपको यह भी समझ में आया पैरासेंटेसिस पैरासेंटेसिस आपको प्रोसीजर सामने पढ़ा रखे हैं थोरासेंटेसिस पैरासेंटिस बहुत अच्छे समझा रखा है आपको उन्हीं में से पैरासेंटेसिस को पढ़ के जाना है ठीक है बच्चे एग्जाम के लिए अगले नंबर पर यह मेरा पर्सनल फेवरेट है दैट इज चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज ये बेटा कौन सा है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के बारे में याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन इसमें से हंड्रेड परसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं तो मैंने आपको कहा चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज कितने पॉइंट हो गए बेटा छ सातवें नंबर पर सातवें नंबर पर जो है वह ईटी ट्यूब का क्वेश्चन ईटी ट्यूब से क्वेश्चन आएगा किसके अंदर फंडामेंटल नर्सिंग के अंदर याद रखना या तो साइज पूछ सकता है या इसकी केयर पूछ सकता है इंसर्शन का प्रोसीजर ज्यादातर वो साइज पूछता है कुछ भी पूछे आप तैयार रहिएगा ईटी e ट्यूब के क्वेश्चन के लिए क्लियर है आठवें नंबर पर बेटा जो क्वेश्चन है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और इन सब में नर्सिंग एस्पेक्ट का ख्याल रखिएगा वो क्वेश्चन सीधा नहीं देगा वो क्वेश्चन बड़ा करके फ्रेम करके देगा और बड़ा फ्रेम करके देगा तो उसमें नर्सिंग केयर के बारे में ज्यादा ध्यान देगा तो याद रखना किस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या नर्सिंग प्रायोरिटी होती है उनको ध्यान में रखकर आपको इस टॉपिक को पढ़ना है कि अगर ऐसा केस हो जाए तो नर्स क्या करेगी ऐसा केस हो जाए तो नर्स क्या करेगी क्या नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इनमें से क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे ठीक है बच्चे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद अगले पर कौन सा है सेंटर वेन कैथेटर सेंट्रल वेन कैथेटर के इंसर्शन के बारे में और क्या इसका प्रोसीजर है इसमें से क्वेश्चन बनेंगे तो आप इसे भी पढ़ के जाइएगा ठीक है बच्चे सर बहुत याद आते आपकी थैंक्स बच्चे गॉड ब्लेस यू गुड डू सर दिल दी नॉट सेट कंप्लीट हुए हैं आपके अरे बच्चे यहीं ठीक है क्लास यूट्यूब पर रहेगी कौन सी क्लास यूट्यूब पर रहेगी बेटा मैं मैं टॉपिक की लिस्ट बता रहा हूँ पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ आपको ये पढ़ने मैं थोड़ी पढ़ाऊँगा फंडामेंटल बेटा आपको तो सिर्फ ये बता रहा हूँ ये टॉपिक पढ़ने आपको खुद सेल्फ स्टडी के लिए बता रहा हूँ मैं ये क्लास नहीं होंगी इन टॉपिक के बारे में दसवें नंबर पर ये मेरा पर्सनल फेवरेट वापस से ड्रग एंड फ्लूड कैलकुलेशन समझाया बच्चे ड्रग एंड फ्लू कैलकुलेशन से क्वेश्चन आएगा याद रखिएगा और इसमें सबसे ज्यादा ड्रग से आए ना आए फ्लू से पक्का क्वेश्चन आएगा ड्रग से भी आएगा और और फ्लूड से भी आएगा तो इनकी कैलकुलेशन के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में ठीक है बच्चे इसके बाद कौन सा है इलेवंथ नंबर पर पोजिशन याद रख के जाना कि कौन से ओनली पोजिशन के नाम याद रखना कि कौन से प्रोसीजर में कौन सी पोजीशन कौन सी कंडीशन में कौन सी पोजीशन दी जाती है तो पोजीशंस के बारे में आप पढ़ के जाना क्वेश्चंस इसके बाद कौन सा है बच्चे कोलोस्टोमी आपको कोलोस्टोमी से क्वेश्चन जानने को मिलेगा क्या केयर होती है कैसे केयर करते हैं बैग को क्लीन कैसे करते हैं वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कॉलोस्टोमी केयर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ा रखा है मैं जानता हूं इसके बाद कौन सा टॉपिक है बच्चे सीपीआर आपको सीपीआर टॉपिक में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर ठीक है तो सीपीआर क्वेश्चन हो गया सीपीआर में से आपको कौन उसके बाद कौन सा है सीपीआर के बाद ट्रेक्योस्टॉमी ट्रेक्योस्टॉमी में से क्वेश्चन आपको तैयार मिलेगा एग्जाम के अंदर कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें ट्रोकोस्टॉमी के बारे में बात की गई होगी तो ये जो ट्रोक्योस्टोमी वाला क्वेश्चन है ये भी आप याद रखिएगा इसके बाद वुंड डीलिंग ये जो हीलिंग है इसका क्या प्रोसेस क्या स्टेप है हीलिंग के कितने फेज में हीलिंग होती है कौन से फेज में कौन सा पार्ट हील होता है इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ के आना आपको एग्जाम में मिलेगा ठीक है बच्चे इसके बाद कौन सा है दैट ऑक्सीजन थेरेपी कौन सा है ऑक्सीजन थेरेपी ऑक्सीजन थेरेपी में कौन सी हाई ऑक्सीजन रेट होती है कितने से हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन का एडमिशन हो सकता है कौन सी ज्यादा बेस्ट रूट है ऑक्सीजन देने का इन सब के बारे में बात करना और लास्ट इसमें है सत्रहवें नंबर का बेटा दैट इज फॉर लंबर पंचर कौन सा बच्चे लंबर पंचर तो याद रखिएगा ये टोटल मैंने आपको कितने पॉइंट बताए बच्चे सत्रह पॉइंट के अंदर मैंने पूरी फंडामेंटल बताई है ये सत्रह पॉइंट के अंदर पूरी फंडामेंटल के बारे में मैंने आपको बताया कि पढ़ के जाओगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा ये याद रखिएगा आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा ये बहुत ज्यादा नहीं अस्सी तो प्रोसीजर है समझ आ रहा है बच्चे अस्सी तो प्रोसीजर होते हैं आपको मैंने टोटल फंडामेंटल के कितने बताए ओनली सेवनटीन सत्रह बताए मैंने समझ आया बच्चे नहीं मैंने जो जो मुझे लगे वो मैंने बताए सैंपल एंपल मुझे नहीं लगते तो मैंने वो नहीं बताया आपको मैंने वो बताया जो मुझे लगते इंपॉर्टेंट है ये टोटल सत्रह टॉपिक आप पढ़ के जाओ आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा पढ़ लीजिए अगर टाइम कम है तो इन टॉपिक को पढ़ लीजिए आपका भला हो जाएगा समझ आए वाले बेटा सुरेश कुमार रुक रुकजा एमएसएन में बात करेंगे इस बारे में अभी यहां पर ठीक है बच्चे हाँ बच्चे बहुत अच्छे सर आई गॉट सिलेक्शन दिल्ली एम्स एंड एम्स रायपुर एंड आ, आपकी यूट्यूब क्लास बहुत हेल्पफुल रही थी सर थैंक यू बच्चे गॉड ब्लेस यू दीप्ति बेटा बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों के लिए आप ऐसे ही जुड़े रहिए आपका आना बाकी बच्चों के लिए मोटिवेशन होता है के बच्चे सेलेक्ट होने के बाद भी आप देख क्लास देख रहे हो इतना टाइम निकालते हो अपने टीचर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है बच्चे समझ आए बच्चे तो ये जो मैंने आपको बताए हैं ये याद रखिएगा ये टोटल कितने हैं दैट इज सेवनटीन टॉपिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं सत्रह टॉपिक के बारे में क्लियर इसके बाद और कौन से अब टॉपिक बचते हैं और कौन सा सब्जेक्ट बचता है बच्चे देखो ये अब तुम बोलोगे सूचन नहीं है एथिक्स नहीं है वो सब नहीं है जो मुझे लगे मैंने वो बता दिए यूं तो यहां तो डेढ़ सौ वाइटल साइन पढ़ के जाने की जरूरत है बेटा तुझे वाइटल साइन पढ़ के जाने की जरूरत है नहीं ऑक्सीजन आपकी कितनी रेस्पिरेशन है कितनी पल्स ये पढ़ के जाएगा तू अगर ये भी तुझे पढ़ना है तो फिर क्या को पढ़ना है नोट है बेटा मैंने वो बताया जो ध्यान से पढ़ के जाना है पढ़ तुम सारा लो इन सत्रह टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना ठीक है बच्चे आगे शुरू करें अगला सब्जेक्ट शुरू करते हैं ठीक है बच्चे चलो अगला सब्जेक्ट है फार्मा फार्मा में अब आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाने उसके बारे में बात कर लेते हैं हाँ अर्जुन कुशवा वाइटल नहीं लिखा मैंने वाइटल मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं लगी क्यों मुझे नहीं लगता कि वाइटल को पढ़ के जाने के लिए वाइटल का पढ़ोगे और तू वाइटल जरूर पढ़ के जाना ठीक है बेटा अर्जुन रहना नहीं चाहिए नहीं नहीं ब्लेड रिलेटेड कितने नंबर की आएगी कोई नहीं आएगा जब आएगा तो बता देंगे मैंने 200 क्वेश्चन की गारंटी नहीं ली है यहां मैं कह रहा हूं कि अगर आप इन टॉपिक को पढ़ जाओगे तो मोर देन फिफ्टी आपके टॉपिक मिल जाएंगे आपको समझ आ रहा है चलो क्लियर फार्मा फार्मा में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है उस टॉपिक को इनाम याद रखिएगा फार्मा में सबसे ज्यादा पूछेगा लिथियम ये फार्मा का बड़ा फेवरेट टॉपिक है लिथियम के बारे में पूछेगा तो लिथियम के बारे में जो टॉक्सिटी है जो इसका थेरापेटिक डोज है वो सब आप पढ़ के जाना अच्छे से और बताना कि क्या नर्सिंग केयर होती है कैसी डाइट देते हैं कौन रोकते हैं सोडियम बढ़ाते हैं कम करते हैं ये सब आपको पढ़ के जाना है लिथियम के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको लिथियम से समझ आए बच्चे और बताइए सर एंटीसाइकोटिक ड्रग ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीसाइकोटिक ड्रग ये पढ़ के जाना और इनसे होने वाले जो भी साइड इफेक्ट हैं ड्रग से होने वाले जो एक्स्ट्रा पैरामिडल जो भी हैं आप पढ़ के जाना उनके साइड इफेक्ट पढ़ के जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए इसके बाद और बताइए सर एंटी कन्वर्जन ड्रग पढ़ के जाना कौन सा एंटी कन्वर्जन ड्रग पढ़ के जाना जो भी आपके एपिलेप्सी की ड्रग है उन सबको पढ़ के जाने हैं इंपॉर्टेंट इसके अलावा ब्रोंको बहुत इंपॉर्टेंट ब्रोंको भी ब्रोंकोडाइलेटर के जितने भी आपको एग्जाम्पल बता रखे हैं वो देखो आपको किसी ड्रग की मैकेनिज्म नहीं समझनी है ना वो एग्जाम में पूछेगा आपसे पूछेगा कि इसमें नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आप तो नर्स वाले टॉपिक में चिपक जाओ जब नर्स वाले टॉपिक चिपक जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या पूछ सकता है उसकी टॉक्सिटी और उसकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टॉक्सिटी और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ना तो वो डोज पूछेगा ना आपसे रूट पूछेगा ना आपसे इसकी मैकेनिक पूछेगा ना इसकी डायने पूछेगा वो पूछेगा इसमें नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है समझ आ रहा है बच्चे तो ब्रोंको डायलेटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द नॉर्थ सेट क्लियर है इसके बाद और कौन सा है डिजॉक्सिन कौन सा बच्चे डिजॉक्सिन डिजॉक्सिन तो ये मान लो कि हर साल फेवरेट है ने खा के एग्जाम पर बनाता है वो पेपर भी डिजॉक्सिन खा के बनता है बच्चे ठीक है बेटा सीएचओ में बहुत क्वेश्चन आए थे सो जो आपने है तो थैंक्स बच्चे दीपक कुमार बेटा गॉड ब्लेस यू बेटा जुड़े रहो बहुत फायदा है क्लास लाइव रहेगी आराम से जुड़ना जो, जो देखेगा वो पाएगा नहीं तो सब अपने अपने घर ही ठीक है बच्चे इसके बाद आफ्टर डिजॉक्सिन सर नंबर सिक्स पे है एंटी एंटीकोएगुलेंट आपने कहा एंटी कोएगुलेंट में याद रखिएगा इनमें दो से तो तुम भूलना ही मत एक तो हिपेरिन ये याद रखिएगा हिपेरिन और वारफेरिन इनमें से पेट भर भरे क्वेश्चन आएंगे हिपेरिन और बारफेरिन इसके बारे में जितने भी सन ने आपको पढ़ा रखा है सारी चीज पढ़ के जाना बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है योगी सन ने आपको भी ढंग से पढ़ के जाना है तो जो भी एंटी कोएगुलेंट में खासकर इस स्पेस में कौन कौन से हिपेरिन और वारफेरिन भूलना नहीं है आपको याद रखना इन चीजों को इसके बाद डायूरेटिक्स डायूरेटिक diuretic के बारे में पढ़ के जाना है जो सर ने आपको पढ़ा रखे हैं डायोटिक के बारे में ठीक है बच्चे और इसके बाद आपको पढ़ना है ओपीओ ड्रग्स के बारे में किसके बारे में ओपियोट्स ड्रग के बारे में तो ये चीजें आपको पढ़नी है बेटा किसके बारे में फार्मा में ओपीओ ड्रग के बारे में और लास्ट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन नाम तो जो लिखिए जरा नाम है एंटीडोट बेटा क्या है एंटीडोट्स पढ़ के जाना आपने कहा सारे सर याद होंगे नहीं सारे नहीं होंगे इनके याद कर लीजिए किस किस के आपने कहा एक तो हिपेरिन का याद कर लीजिए एक आप मॉर्फिन का याद कर लीजिए समझ आ रहा है बच्चे एक एपेरिन का कर लीजिए वॉरफेन कर लीजिए वारफेरिन का कर लीजिए कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है यही पूछते हैं पीसीएम का कर लीजिए एसिडामिनोफेन का कर लीजिए समझ आ रहा है ना बच्चे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं आपसे आपको एंटीडॉट के बारे में पूरा पता होना बहुत जरूरी है तो याद रखिएगा ये जो एंटीडॉट है ये जो एंटीडोड मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आप ये सब टिप्स पे पढ़ के जाना और मैंने आपको ये बताया है कि ये टोटल मैंने नौ चीजें बताई हैं आपको फार्मा के अंदर दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर योर एग्जाम आप पढ़ोगे इनमें से सर जो पढ़ाया पढ़ के जाओगे आपका काम चल जाएगा आपका काम चल जाएगा बच्चे समझ आ रहा है बच्चे बायोलॉजी पढ़ाओ सर बायोलॉजी का क्या करना है भाया अभी तो नर्सिंग पढ़वा तू मेरे से अभी मनु पाता है रुक जा बेटा मैं सब तू मेरी क्लास के बाद समस्या के बारे में बताना कि समस्या क्या बची नहीं बची अभी ता, अभी रुक जा सब आएगा ये याद रखना तो टोटल कितने हैं टोटल नौ पॉइंट हैं नौ चीजें जो आपको फार्म पढ़नी है तो नौ पॉइंट के अंदर फार्मा पढ़ के जाओ और फार्मा के सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे अगर आपने सर की कॉपी से नोट्स बना के पढ़े हुए हैं आप इन टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए सर की कॉपी नहीं है तो ले लीजिए नोट्स मंगा लीजिए किस चीजें और पढ़िए ढंग से समझ आया बच्चे बहुत बहुत बढ़िया चलो एक्सीलेंट तो कौन कौन से हो चुके दो सब्जेक्ट हो चुके हैं कौन कौन से एक हो चुका है एफ और एक हो चुका है फार्मा सब लोग जुड़े हुए हो बहुत अच्छे आगे सब लोग जुड़े रहिए और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया शेयर नहीं करा सब्सक्राइब नहीं करा जुड़े रहे इन पॉइंटों का फायदा लेने के लिए सारे काम करने जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करें भूल कर भी भूल न जाना और बगल वाला घंटा बजा के जाना जिससे घंटे की आवाज बार बार आती रहे साइकोलॉजी नहीं है बेटा साइकेट्रिक है <laughs> पढ़ के आते हैं सर जो पढ़ाया है उतने में तो लोग बाहर से एमबीएस पढ़ के आते बाहर वालों का छोड़ो आधे फर्जी घूम रहे चलो आगे चले दो हो चुके सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट हो चुके हैं ठीक है बच्चे आगे चले एक्सीलेंट आगे और हाँ वापस से ज, आप चाहते हो आप पर आप चाहोगे क्यों कि सब बच्चे देखें तो आप तो शेयर तो करोगे नहीं क्योंकि सब बच्चों को नहीं पता पढ़ना चाहिए क्लास लाइव है ये भी बात सही है तो फिर ऐसा करो सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दो बाकी आगे देखते हैं ठीक है बच्चे अगर आप चाहते हो कि इनका पॉइंट आपको मिल जाए सर जी अनिल सर ट्रमा की क्लास कब लेंगे ले लेंगे अनिल सर अनिल सर ऑल टाइम फ्री है बच्चे आपके लिए कभी भी आधी रात तैयार है वो ठीक है बच्चे तो आफ्टर दैट बिच वन फार्मा वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर थर्ड सब्जेक्ट एंड द नेम ऑफ सब्जेक्ट इज साइकेट्रिक आजकल साइकेट्रिक हॉट टॉपिक है आजकल ऐसा लग रहा है कि एग्जाम वाले को भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो आजकल साइकेट्रिक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है और इस हॉट टॉपिक को ध्यान में रखकर आपको कौन कौन से पॉइंट पढ़ के जाने हैं साइकेट्रिक में सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मान लो ये तो छपा छपा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या बाइपोलर बाईपोलर डिसऑर्डर बाइपोलर डिसऑर्डर में से पेशेंट को जितने भी बाईपोलर के क्वेश्चन हैं आप पढ़ के जाना इसमें से हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन मिलेगा आप भी यहीं और मैं भी यहीं हूं बाईपोलर में से आपका क्वेश्चन तैयार है एग्जाम के लिए क्लियर बच्चे बाईपोलर इसके बाद बाईपोलर में सर कैसे कैसे इसमें से डिप्रेसिव पेशेंट के पढ़ के जाना कि डिप्रेसिव पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं एग्रेसिव पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं यह भी आप पढ़ के जाना ऑनलाइन क्लास वालों कोचिंग नोट्स मिल सकते हैं क्या बेटा तो पढ़ लेंगे हिंदी जी के मैथ में नहीं इतना कहा ज्ञानी मैं।, मैं तो वो बता रहा हूं जो मेरे को आता है तो, ए, तो डिप्रेसिव पेशेंट के बारे में क्वेश्चन पूछेगा एग्रेसिव पेशेंट के बारे में क्वेश्चन पूछेगा और आपसे पूछेगा ई के बारे में ये याद रखिएगा यानी बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ो तो ये याद रखना कि पेशेंट मैनिया डिप्रेशन वाला साइड में छोड़ो एग्रेसिव पेशेंट हो तो मैं कैसे केयर करूंगा कैसे मैनेज करूंगा और डिप्रेसिव पेशेंट है सुसाइड टेंडेंसी वाला तो मैं कैसे मैनेज करूंगा और ईसीटी में मैं क्या ड्रग दूंगा और कैसे मुझे केयर देनी है यानी मेरा पहला टॉपिक है बाइपोलर डिसऑर्डर आपको टिप्स पे याद हो जाना चाहिए समझ आए बच्चे चलो बहुत बढ़िया ई वाला ई क्लास यूट्यूब पर ई क्लास सर आपको बोलने का का तरीका लाजवाब है माइंड में फिट हो जाता है गॉड ब्लेस यू बच्चे ऐसा ही है ठीक है 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 बेटा पढ़ते रहो चलो अच्छा दूसरा कौन के के बाद बाद सबस्टेंस अब्यूज आपने का क्वेश्चन आएगा आ गया सबस्टेंस अब्यूज सबिस्टेंस अब्यूज के बाद नंबर थर्ड पे आप सबका फेवरेट आप सबका फेवरेट आंसर है सीजो फ्रेनिया आपने कहा फ्रेंड सर बहुत बड़ा है आपको इतना बड़ा जाना कहां है आप तो ये देखो कौन से टाइप में क्या की पॉइंट है आपको क्या क्या याद रखना है फोर ए याद रखना है टाइप्स की स्पेसिफिक कैरेक्टर याद रखना है जो उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो याद रखना है क्लिनिकल फीचर उस टाइप का पूरा टाइप की रामायण याद नहीं करनी है उसका क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर है पेरानोइड में क्या सोचता है समझ आया बच्चे वो आपको ध्यान में रखना है इसमें आपको हेल्यूसिनेशन hallucination, हेल्यूसिनेशन के बारे में पढ़ के जाना है और इसमें जो थेरेपी दी जाती है वो आपको पढ़ के जाना है सीजोफ्रीनिया में इतना मोर देन सफिशियंट है आई होप आपको समझ आया बच्चे तो टाइप्स पढ़ के जाना टाइप्स की स्पेसिफिक कैरेक्टर पढ़ के जाना हेल्यूसिनेशन जो होते हैं वो पढ़ के जाना है इसके अंदर और थेरेपी पढ़ के जानी है फोर ए तो आपको पता ही है ये सीजोफ्रीनिया के बारे में आपको पढ़ के जाना है आई होप आपको ये समझ में आएगा बच्चे सर ऑनलाइन नहीं मिलेंगे बेटा नोट्स नहीं मिलते ना कोर्स बेचते हम लोग कोर्स नहीं बेचते ना नोट्स तो बेचते ही नहीं है बेचते सिर्फ हम कुछ भी नहीं है दो ही चीज एक तो ऑफलाइन क्लास और एक ऑनलाइन क्लास नोट्स नहीं बेचते टेस्ट सीरीज नहीं बेचते ज्ञान नहीं बेचते एमसीक्यू नहीं बेचते लाइव एमसीक्यू भी नहीं बेचते कुछ नहीं बेचते बेटा हम सिर्फ वो ही करते हैं जो हमें सबसे अच्छा वाजिब चीज लगती है ओनली थ्योरी हम सिर्फ थ्योरी का चार्ज करते हैं इसके अलावा सब फ्री है के लिए बच्चे चलो इसके अलावा के बाद बेटा कौन सा फोबिया आपने का फोबिया जितने भी फोबिया हैं उनकी लिस्ट पढ़ लेना कौन सा फोबिया किसमें होता है बंद कमरे का फोबिया हाइट से फोबिया मच्छर से फोबिया जानवर से फोबिया और सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन और फ्लडिंग की मैकेनिज्म पढ़ लेना आपको फोबिया में इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता नर्सिंग नर्सिंग केयर केयर ठीक बच्चे पे खास ध्यान देना इसके अलावा और बताइए ओसीडी ओसीडी कंपल्सिव डिसऑर्डर ये OCD के बारे में पढ़ के जाना ठीक है बच्चे और ये है मेरा पर्सनल फेवरेट जहां मैं डबल स्टार बना रहा हूं ये तो मेरा फेवरेट है इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा आपने का नाम बताओ ईटिंग डिसऑर्डर्स ईटिंग डिसऑर्डर में वोलीमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा खासकर इन दो पर विशेष ध्यान देना बाकी सब जिंदाबाद है समझ आया बच्चे सर एक एक बात लाख रुपए के इसलिए बच्चे पढ़ लेना ठीक है थैंक्स बच्चे सर मैंने कोर्स परचेज किया बेटा कोर्स परचेज करने से कुछ नहीं होता बस आ, अनुदीप धानकर एकदम सही कहा बच्चे ने जीनोमिक्स में सब कुछ फ्री देने को तैयार है बस लेने वाला चाहिए इतना ज्यादा कंटेंट पढ़ा देते हम यूट्यूब पे और मैं रोज नहीं आते रोज नहीं आते रोज का टाइम कहाँ है भाई रोज आएंगे तो फिर सेल्फ एनएस इंटर कोर्स करना पड़ेगा ना वो तो पॉसिबल नहीं है फिर दही जमानी पड़ेगी चलो तो ईटिंग डिसऑर्डर हो गए ईटिंग डिसऑर्डर के बाद बेटा कौन सा है डिफेंस मैकेनिज्म डिफेंस मैकेनिज्म में से क्वेश्चन याद रखिएगा डिफेंस मैकेनिज्म में एक चीज और याद रखना डबडा ये भी पढ़ के जाना ये एक्स्ट्रा अलग से बता रहा हूं मैं किसमें डिफेंस मैकेनिज्म के साथ एक्स्ट्रा बता रहा हूं क्या डब्डा ये सारी डिफेंस तो पढ़ के जानी है डबडा अलग से पढ़ के जाना है तुम्हें समझ आ रहा है बच्चे बहुत दिन बाद लाइव देखा सर ऐसे ही है मैं बहुत दिनों बाद ही आता हूं मैं ऐसे बीच बीच में आना पड़ता समझ आ रहा है बच्चे जो तो सारे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने एक्सीलेंट आगे चले चलो इसके बाद सर अगला पॉइंट ये इसके अलावा कौन सा है ये सात पॉइंट किसके हो चुके हैं का इसका अगला पॉइंट है आठ पॉइंट पॉइंट है कौन सा है डिलेरियम ठीक है बेटा डिलीरियम के बाद डिल्यूजन जितने भी ग्रैंडियोसिटी है परसिक्यूशन सारे डिल्यूजन पढ़ के जाना क्लियर बच्चे और ये है अलग से थोड़ा सा इंपोर्टेंट हिस्टीरिया पेशेंट हिस्टीरिया पेशेंट के क्या केयर दी जाएगी यह पढ़ के जाना तो बेटा ये दस टॉपिक के अंदर आपकी साइकिल इन दस टॉपिक में आपकी साइकेट्रिक ओवर हो गई सर आपकी आवाज के सुकून मिलता है मुझे तुझे देखकर सुकून मिलता है पगले आम नहीं है सब खा जाए करेला है भाई बिल्कुल आम नहीं हूं मैं क्या सब खाएं करेला हूं मैं बातें चुपती है मेरी पर जो पढ़ लेता है अनऑफिशियल में, में कौन सा सर वे ये कोई सर है क्या ये सर ही नहीं है तू तो किसी और का नाम ले ठीक है बच्चे तो ये टोटल मैंने कितने बताए टोटल टेन पॉइंट्स वी है एक ले चंद सर खुशी कभी कभी नजर आते हैं बिल्कुल ठीक है बच्चे तो टोटल कितने हैं दस पॉइंट याद रखना इन दस पॉइंट में नॉर्थ साइड का नया बैच कब से ट्वेंटी नाइन अप्रैल से है सर आप हो तो हिम्मत मिलती है बेटा आप हो तो मुझे हिम्मत मिलती है पढ़ाने की आपका होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब बता दें बेटा लालिमा ओबीजी का नंबर भी आएगा सब आएगा अभी दस पॉइंट पढ़ जाना दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर योर एग्जाम क्लियर बच्चे लिए प्रजापति अभी देख ले रहेगा ना रहेगा मैं पहली कह रहा था लगे रहा क्लास में तो फायदा मिलेगा अब तू चला गया तो कैसे फायदा मिलेगा भैया चलो तो कितने हो चुके हैं सब्जेक्ट तीन सब्जेक्ट हो चुके हैं सर तो आपको देखकर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है मुझे भी तुम सब को देखकर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जितना आप मुझे सुनने आते हो ना उतना तो आप किसी को पढ़ने भी नहीं जाते नहीं नहीं बच्चे मैं लेवल के बारे में बात करता फिर लोग सब ऐसे ही सब लोग मुझे इतना ज्यादा ना पसंद करते हैं और गालियां देना शुरू कर देंगे मैं किसी और के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली जीनो में बाकी सब अच्छा सा काम कर रहे हैं करने दो सब बढ़िया काम कर रहे हैं देखिए बच्चे अब बात कर रहे हैं किसकी अब हम बात कर रहे हैं कितने हो चुके हैं तीन फंडामेंटल हो चुका फार्मा हो चुका साइकेट्रिक हो चुकी ठीक है बच्चे अब नंबर चार पे है सी एच एन कम्युनिटी हेल्थ नर्स कम्युनिटी हेल्थ नर्स का सबसे पहला टॉपिक और सबसे हॉट टॉपिक हॉट मतलब बहुत ज्यादा गरम गरम मतलब अभी अभी इतना गरम है कि हाथ में लो तो जल जाएगा ये और नाम है इम्यूनाइजेशन इसमें से क्वेश्चन हंड्रेड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा आपको ठीक है बच्चे उसे सब पढ़ा देंगे हाँ ये होगा क्या मैं जो टॉपिक बता रहा हूं ना अब सब इसी के बारे में अब देखना यूट्यूब पे इसके बाद बाढ़ आएगी लोग कहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं एक बच्चे ने मेरे को क्लिप भेजी लास्ट क्लास में मैं बता के गया था कि मोसबी और एनक्लेक्स पढ़ना है साउंडर के लिए उसके बाद सारे यूट्यूब वाले बोल रहे हैं कि मोसबी और एनक्लेक्स जरूर पढ़ लेना साउंडर के लिए तो मैं कहा ऐसा है सबको पता ही है कि मोसबी और नॉट सेट से मोसबी और एनक्लेक्स से होना है सब कुछ चीज़ें सबके अपने अपने तरीके हैं कोई बात नहीं आप इम्यूनिटी जरूर पढ़ के जाना और खासकर इसे मत भूलना ठंड गर्मी का टाइम है ठंडी चेन को मत भूलना वैसे सारा पढ़ना है स्पेशल किस पे ध्यान देना है कोल्ड चेन पे ज्यादा ध्यान देना है क्या ये बात समझ में आई अगला देखें बिल्कुल अगला टॉपिक कौन सा है अगला है गर्भ निरोधक और गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्शन और कॉन्ट्रासेप्शन आप पढ़ के जरूर जाइएगा और कॉन्ट्रासेप्शन में आप खासकर उन चीजों पर ध्यान दीजिएगा जो दो हैं एक तो आयुसीडी और एक हॉर्मोनल मेथड आईयूसीडी और हार्मोनल मेथड पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये दोनों स्पेशल हैं वैसे सारा पढ़ना है पर मैं स्पेशल बता देता हूं आईयूसीडी और हार्मोनल हार्मोनल मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से समझ बच्चे बहुत बढ़िया प्रियंका ये काम सही किया बच्चे तूने चलो चलो ठीक है बच्चे तो इन दैट कॉन्ट्रासेप्शन आईसीडीए हॉर्मोनल है ये सब आपको पढ़ने हैं क्लियर चलो कौन से दो टॉपिक हो चुके दो के बाद नंबर तीसरे पे कौन सा है बी एमडब्ल्यू कार नहीं है भाई ये ये कार नहीं है ये बेकार है ये बेकार का मतलब बेकार की व्यवस्था कैसे करें कार नहीं है कार अलग होती है ये बेकार है बेकार की व्यवस्था यानी वेस्ट की व्यवस्था कैसे करें तो बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है हॉट टॉपिक है एकदम गर्म समझ आए बच्चे ठीक है बीएमडब्ल्यू के बाद ये मेरा पर्सनल फेवरेट है कौन सा एपेडेमोलॉजी एपेडेमोलॉजी से पढ़ के जाना और इसमें सारी चीज इंपोर्टेंट है और सबसे ज्यादा फाइव स्टार वाला पॉइंट वो है लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा बेटा लेवल ऑफ प्रिवेंशन वैसे सारा पढ़ के जाना आपको कौन सा एपिडेमोलॉजी पर खास पॉइंट इसमें कौन सा है लेवल ऑफ प्रिवेंशन वो मत भूलना आप ठीक है बच्चे बीएमडब्ल्यू डीजे वाले बाबू बोले हाँ बच्चे जो भी है समझ आए बच्चे तो याद रखना एपिडेमोलॉजी और हम बीएमडब्ल्यू इसके बाद कौन सा है इसके बाद ऑक्यूपेशनल हेजार्ड कौन सा बच्चे ऑक्यूपेशनल हेजार्ट ऑक्यूपेशनल हेजार्ट में जितने भी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको सर ने पढ़ा रखी होंगी क्लासेस में आपको पता भी है हॉस्पिटल में भी है बाहर भी हैं जो भी ऑक्यूपेशनल हेजार्ट हैं कैसे क्या एक्ट है कौन से एक्ट में क्या कहा गया है समझ आ रहा है बच्चे फैक्ट्री एक्ट में क्या है ई एस आई एक्ट में क्या है वो सब जरूर पढ़ के जाना ऑक्यूपेशन के बारे में ठीक है बच्चे चलो आफ्टर ऑक्यूपेशनल नंबर छह पर क्या आएगा ट्राइएज यह है मेरा पर्सनल फेवरेट याद रखिएगा हरा लाल काला ये सब आपको याद रखने हैं किसमें क्या किया जाएगा वो आपको याद रखना है वाइज कौन से पेशेंट को कौन सी प्रायोरिटी में रखना है तो ट्राइएज है आपको पेशेंट को सेपरेट करना है छांटना है पेशेंट को कौन सा हाई रिस्क कौन सा लो रिस्क उसे कहते हैं ट्राइएज तो बच्चे ट्राइज के बाद और कौन सा है ये है आर एन टी सी पी इट इज मोर इंपोर्टेंट और आर एन टी सी पी में सबसे इंपोर्टेंट बात करेंगे आप किसके बारे में डॉट्स के बारे में और डॉट्स में क्या पढ़ोगे एंटी ट्यूबरकल ड्रग और एंटी ट्यूबरकल ड्रग में फर्स्ट लाइन भी पढ़ोगे सेकंड लाइन भी पढ़ोगे तो बच्चे आर एन टी सी पी पूरा घोट के जाना एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं टकराएगा जरूर क्लियर बच्चे आर एन टी सी पी के बाद और क्या है सर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम आपने कहा सारे पढ़ने हैं मैं बता देता हूं घबराओ मत मैं यूट्यूब इसलिए तो हूं आपके पास कि आपको क्या पढ़ना है अपनी प्रोफेशन के रेस्पेक्ट देते हुए कमेंट करें सारे बच्चे अरे सर की रेस्पेक्ट भी बहुत अच्छे चलो कोई नहीं मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ तुम्हारे बच्चे आई जस्ट ट्राई टू गिव दैट कंटेंट बट कोई बात नहीं कोरोना को मत भूलना सर कोरोना नहीं कोरोना के बारे में याद रखिएगा कोरोना आग के बारे में जो पूछेगा वो बायोमेडिकल वेस्ट में पूछ लेगा बहुत ज्यादा सफिशियंट है ठीक है बच्चे और कोरोना के बारे में पूछेगा तो वैक्सीन में पूछ लेगा मैंने इम्यूनेशन बता दिया बायोमेडिकल अलग से कोरोना का पैथोफेजोलॉजी नहीं पूछेगा दो ही चीज पूछेगा तो वैक्सीन पूछेगा या उसका बायोमेडिकल वेस्ट पूछेगा बायोमेडिकल वेस्ट कोरोना का बायोमेडिकल वेस्ट में आएगा और उसकी वैक्सीन इम्यूनाइजेशन के बारे के टॉपिक में आ जाएगी ठीक है बच्चे तो न्यूट्रिशन प्रोग्राम अब सर आपने कहा इसे पढ़े कैसे ये तो बहुत बड़ा है मैं बता देता हूं आपको क्या पढ़ना है नाम क्या था प्रोग्राम का कौन सी ईयर में आया प्रोग्राम समझा बच्चे कितने दिन का प्रोग्राम है और इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या रही है दैट्स इट इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है? नेम ईयर ड्रे ने, नेम ईयर डेज और न्यूट्रिशन वैल्यू सिर्फ इतना पढ़ के जाना है आपको सारे प्रोग्राम में चार चार लाइन पढ़नी है बस एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है तो आप परेशान भी मत होइए ठीक है बच्चे इसके अलावा बताइए कौन सा है सर दैट इज फॉर कम्युनिकेबल डिजीज अगला कौन सा है कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करते हैं तो कम्युनिकेबल सर ये तो बहुत ज्यादा है कोई ज्यादा नहीं है मैं बता दूं तुम्हें पढ़ना क्या है बस आप आराम से बैठो मैं ये बता दूं तो पढ़ना क्या है तुम्हें सिर्फ ये पढ़ना है पॉजिटिव एजेंट और उसका रूट पहला पॉइंट इसके बाद इसका क्या पढ़ना है इनक्यूबेशन पीरियड क्या पढ़ना है इनक्यूबेशन पीरियड फिर पढ़ना है इसका स्पेसिफिक जो एक पर्टिकुलर क्या होता है क्लिनिकल फीचर और दो पर इसे विशेष ध्यान देना एक एच और एक चिकन पॉक्स एक एच और एक चिकन पॉक्स इन पर विशेष ध्यान देना ये इंपोर्टेंट ज्यादा है पढ़ने आपको सारे हैं सारे के बारे में मतलब तीन -तीन बस पहली पॉजिटिव एजेंट क्या है दूसरा इसका रूट तीसरा इनक्यूबेशन पीरियड और चौथा इसका स्पेसिफिक कौन सा कैरेक्टर है अगर लीजन बनते हैं तो कैसे बनते हैं रनिंग नोज होती है तो कैसे होती है स्पेसिफिक कैरेक्टर वाला जो पॉइंट है वो पढ़ के जाना है तो आपको कम्युनिकेबल डिजीज में इतने पॉइंट पढ़ के जाना है इसके बच्चे और आई no हो तो होप आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन बेटा आएंगे तो किस में आएंगे लास्ट टाइम कितने इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे पूरी भर रही थी क्या पेपर में इमेज बेस क्वेश्चन का कोई सिलेबस नहीं होता बच्चे इमेज बेस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है जो करवाया जाएगा आपको क्लियर सो इन दैट क्वेश्चन आपको याद रखना टोटल नौ और हां एक चीज और एक इंपॉर्टेंट दसवां पॉइंट किट्स जितनी भी किट्स हैं किट ए किट बी किट एम किट ई e, जितने भी किट हैं वो किट के नाम पढ़ के जाना आप हाँ बीसी जी मनीष मीना सही कहा बच्चे ऐसे और किट के बारे में सारे पॉइंट पढ़ के जाना तो दस पॉइंट के अंदर ये टोटल बेटा क्या आ गई दस पॉइंट के अंदर पूरी कम्युनिटी आ गई है आई होप आपने समझ लिया होगा कि आपको कम्युनिटी की तैयारी कैसे करनी है क्लियर है बच्चे आई होप आगे चले तो हम आपको अब तक चार सब्जेक्ट करवा चुके हैं क्लियर है अगला हम शुरू करने जा रहे हैं कौन सब्जेक्ट आप सबका फेवरेट आप सबके लिए इंपॉर्टेंट आंसर है ओबीजी भाभी जी ओबीजी को हम भाभी जी कहते हैं तो भाभी जी का टॉपिक तो पढ़ते हैं भाभी जी में सबसे ज्यादा यानी तुम लिख लो जो बना रहा हूं ना स्टार ये पांचवें नंबर का सब्जेक्ट है और ये पहला पॉइंट है और नाम है पी आई एच प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन याद रखना ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देगा और मैं अगर कहूं इसका सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एम फोर याद रखना आपको पी पूरा पढ़ना है और जैसे ही एम फोर आ जाए थोड़ा रुकना सांस लेना और दोबारा ढंग से पढ़ना कि क्या कह रहा है एम फोर समझ आ रहा है बच्चे तो एम जी एस ओ फोर पर ज्यादा ध्यान देना पी आई एच पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर बच्चे सर ऑनलाइन कोर्स में पूरा कंटेंट मिला है जो ऑफलाइन बोलता है ऑनलाइन कोर्स रिकॉर्डेड मिल, मिलता है लाइव बेटा रिकॉर्डेड मिलता है लाइव नहीं होता बेटा हमारे यहाँ कुछ भी लाइव के लिए हमें लाइव के लिए हमें, हमें उपस्थित होना पड़ता है और हम उपस्थित हो नहीं पाते ना प्रॉब्लम ये है असम का मीना सर आप क्लास कब लेंगे यूट्यूब पर डेट आने के बाद जब तक डेट नहीं आएगा तब तक क्लास का अनाउंसमेंट नहीं करूँगा डेट आने के बाद ही मैं आपकी टेस्ट सीरीज और आपकी क्लास का अनाउंसमेंट करूँगा क्लियर बच्चे चलो पी आई एच के बाद सेकंड बताइए सेकंड क्या है सेकंड मेंसस से रिलेटेड यानी जहां मेंसस कैलकुलेट होता हो ध्यान रखना एक तो मेंसस के फेज जरूर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस और ऐसी सारी चीजें पढ़ के जाना जिसमें मेंसस कैलकुलेट होता हो जैसे एलएमपी जैसे ईडीडी याद रखना एलएमपी एम ईडीडी आपसे निकलवाएगा एग्जाम में एलएमपी तो आपको पता ही होता है बता देगी महिला ईडी निकलवाएगा और उसके बाद फिर आपको जी टी पी एल इसके क्वेश्चन आपको तैयार मिलेंगे एग्जाम में गठपाल के क्वेश्चन तैयार मिलेंगे गटपाल को भूलना मत ये सतपाल कह रहे हैं ठीक है बच्चे तो मैंस साइकिल के जो फेज है और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो आपको पढ़ के जाने दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर टेस्ट सीरीज भी फ्री होगी बिल्कुल फ्री होगी बच्चे हाँ अरे टेस्ट फ्री में तुझे पैसे कहीं खर्च नहीं करने में है ना जीनो में खेना आपके लिए बस एक बार डेट आने दो आप डेट के पहले कुछ भी नहीं कहेंगे ठीक है बच्चे के बाद तीसरे नंबर पे है एन एस टी नॉन स्ट्रेस टेस्ट टेस्ट कार्डियक सीटी सीटीजी की यानी सीटीजी भी कहते हैं इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना आपने कहा इसमें क्या क्या पढ़ के जाना इसमें पढ़ के जाना कि टेस्ट रिएक्टिव कब होता है टेस्ट नॉन रिएक्टिव कब होता है टेस्ट रिएक्टिव कब होता है टेस्ट नॉन रिएक्टिव कब होता है डिसलेशन क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं ठीक है बच्चे और इसमें नर्सिंग रोल क्या होते हैं याद रखिएगा आपको ये सारी चीजें एनएस में पढ़ के जानी है नॉन स्ट्रेस टेस्ट के अंदर क्या वो कब रिएक्टिव होता है कब नॉन रिएक्टिव होता है क्या डिसन को चेक करने का तरीका है अर्ली डिसोलेशन क्या होता है लेट डिसन क्या होता है वेरिएबल डिसोलेशन क्या होता है और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ये आपको पढ़ना है नहीं है बेब, बेब पे नहीं आई ना बेटा किशन लोदी ठीक है बच्चे चलो अगला एनएसटी की बात नंबर फोर्थ पे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में आपको ये सारे ट्राइमेस्टर वाइज याद करने हैं ट्राइमेस्टर वाइज याद रखने की प्राइम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या है डायग्नोसिस सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या डायग्नोसिस थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या डायग्नोसिस है ये सारी चीजें आपको ट्राइमेस्टर वाइज याद रखनी है डायग्नोसिस प्रेगनेंसी में बहुत है लीबियनग्रा से मेजर सब कुछ वो भी चीज है फेस पे चोलॉजमा है सब कुछ चैटविक साइन है गुडविल साइन है सारे चीजें आपको याद करके जानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइमेस्टर वाइज पढ़ के जाना क्लियर बच्चे ठीक है आफ्टर दैट ऑफ दस्ट है ए एनसी एंटीनेटल केयर पहले तो विजिट क्या होती है तो सबसे पहले ये पूछेगा कि एंटीनेटल में आपको क्या करना है चेकअप करवाने हैं यानी टेस्ट के बारे में कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं ठीक है बच्चे और हाँ फंडल हाइट के बारे में पूछेगा फंडल हाइट और फंडल हाइट के बारे में बड़ा ही कन्फ्यूज़न है एक बच्चा मुझे स्क्रीन भेज रहा था फंडल हाइट का कि सर फंडल हाइट अम्बलाई कस कब होती है और एक ज्ञानी टीचर भी उसी ग्रुप में ऐड था और वो ज्ञानी टीचर्स कह रहा था वो के 24 वीक पर फंडल हाइट होती है अम्बलिकस पर और वो कह रहा था ये लिखा है दत्ता नाम की किताब में समझ गए होंगे तुम और कह रहा था दत्ता सही आंसर मानेगा नॉट सेट दत्ता सही से मानता है नॉट सेट पेपर क्यों नहीं बनाता दत्ता में से फिर पेपर तो बनाता है क्लेक्स की किताब में से वो पेपर तो बनाता है किताब में से और आंसर माने का दत्ता का? काय को माने का दत्ता का दत्ता के तुम्हारे दद्दा लगते हैं और दत्ता कौन है भाई ये वो व्यक्ति है वो मूवी देखिए जंजीर वो कहता है कि तेरे पास क्या है मेरे पास गाड़ी है बंगला है मेरे पास सब कुछ है तेरे पास क्या है बोला मेरे पास दत्ता है ये वो है कि दत्ता है मेरे पास समझ में आ रहा है बच्चे तो दत्ता दत्ता को गीत गाना बंद करो जहां से पेपर बनता है ना आंसर भी वहीं से आता है और ये लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है आप पढ़ोगे लिपिन कोड पढ़ लो साउंडर पढ़ लो भी पढ़ लो बाईस वीक आंसर है प्रभु ये बाईस वीक आंसर है मत बच्चों को डीसी दत्ता के नाम पे चुना लगाओ अरे दत्ता के याद दत्ता के बाद भी बहुत सी चीजें दत्ता कब तक दत्ता दत्ता करते रहोगे पेपर जहां से बना लास्ट ईयर का पेपर देखा था आंख खोल के कहां से बना था एन क्लेक्स की बुक थी 2020 का एडिशन था बुक का नाम भी बता दूंगा ठीक है तो आंसर भी वहीं के बनेंगे हाँ किशन लोधी मैं कहता तो सर राइट है ना चौबीस वीक बाईस वीक राइट आंसर है मुझे पता था एक आध चेला तो मिल ही जाएगा यदि ऑप्शन में बाईस वीक आया तो फर्स्ट प्रायोरिटी बाईस वीक ना हो तो चौबीस वीक टिक कर देना पर बाईस वीक दिया है ना तो फिर आंसर बाईस वीक ही होगा दत्ता से आगे जाओ पनवाड़ी की दुकान पर दत्ता मिल गया है तुम्हें तो उसके पीछे पड़े हो ठीक है बच्चे तो मैं ये बता रहा था कि एनसी में फंडल हाइट के क्वेश्चन पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है ठीक है बिल्कुल उसके अलावा डेंजर साइन ये पढ़ के डेंजर साइन कौन कौन से होते हैं एंकल एडिमा में क्या होता है फेस एडिमा में क्या हो जाता है तो डेंजर साइन जो भी है के की को जरूर पढ़ के जाना ठीक है बच्चे राकेश आप तो कंफ्यूजन तेरा रहेगा जिंदगी बच्चे तो चेकअप पे टेस्ट है आपको ए एन में करने हैं फंडल हाइट करनी है और डेंजर साइन ये सारे ए एन में आपको पढ़ने हैं और ए एन की विजिट कितनी होती है कब कब होती है उसके बारे में जरूर पढ़ लेना एग्जाम में पूछ सकता है ए एन सी इंपॉर्टेंट है ठीक है बच्चे चलो कितने पॉइंट हो चुके पांच छठवे नंबर पे आपको पढ़ना है ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पढ़ के जाना और खासकर इसके बारे में कीमोथेरेपी और कीमोथेरेपी जब पढ़ो तो नर्सिंग केयर के बारे में जरूर विचार रखना कि क्या करना चाहिए किसी भी कैंसर की कीमोथेरेपी पढ़ाओ तो उसमें नर्सिंग रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है तो नर्सिंग जो कहना चाहती है समझ लेना पढ़ लेना अच्छे से एग्जाम में टिक कर देना चौहान मैं तो थ्री सिक्सटी बताएगा वैसा ही करूंगा मैं तो चाहता हूं तो वैसा ही करे और अगली साल तो वापस यहां के यूट्यूब पर क्लास देखे मैं तो यही चाहता हूं बच्चे देखो मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं पर थोड़ा बहुत मैथ जानता हूं थोड़ा बहुत मैथ मुझे समझ में आता है समझाऊं मैथ देखो कौन की बात करते हैं कौन 90 डिग्री कौन 180 डिग्री कौन और 360 डिग्री कौन ऐसे कौन होते हैं ठीक है यह है 90 डिग्री कौन क्लियर ये है वन एट्टी डिग्री कौन ये है नाइन्टी डिग्री और यह है वन एट्टी डिग्री इतना समझ में आया ना आपको दोनों कौन समझ में आ गए ना एक है वन नाइन्टी और एक है वन एट्टी अब है थ्री सिक्सटी अब थ्री सिक्सटी कौन सा है? यू है यहां से है यू है यू है और यू है और ये क्या है क्या है ये जीरो कौन कितने का है थ्री सिक्सटी अब सही है अब समझ गया और समझाऊं? और समझाना है कि देखो तो छोटा छोटा मैथ आता है मुझे हाई फाई नहीं आता और भी है मेरे पास एग्जांपल समझाना है कि तुम बता दिया करो देखो और समझो तुम कोचिंग करने आए तुमने पीड़िया पढ़ी फार्मा पढ़ी एमएसएन पढ़ी साइकेट्रिक पढ़ी ओबीजी पढ़ी कम्युनिटी पढ़ी सारा पढ़ा रिजल्ट क्या आया जीरो क्योंकि तुम्हें एंगल कितना बनाना था तुम्हें एंगल कितना बनाना था वही ना मैं वही तो बना रहा हूं नाम रखने से पहले सोच लिया करो जहां से शुरू होते हैं ना वहीं आकर रुकना कहलाता है 360 और इसका मतलब है जीरो आपको जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो किसी के पीछे लग जाए तो वैल्यू बढ़ा देती है किसके पीछे लगानी है अभी तो आगे लगनी है पीछे तो बात की बातें हैं अभी किसी के पीछे नहीं लगनी है अभी तो आगे लगेगी चलो और मेरा किसी से कोई नहीं है मेरा किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा आया था उसको समझाया मैंने ये बच्चा कह रहा था उसका आंसर दिया मैंने ठीक है बच्चे मोनिका बेटा नींद प्लीज जल्दी करो जल्दी नहीं है बेटा आराम से है तू आराम कर तू सो ही ले पहले भैया तुम भी उनके पास ही जॉब करते थे किसके पास बे? सुमें, तो फिर वही बात फिर गलत आ गया मैं छिड़ता किसी से नहीं मैं तो आंसर दे रहा हूं मैं तो किसी का नाम ही नहीं लिया रे तू वहां तीर लेके जा रहा है वो मैं रोज गाली खाता हूं फर्क नहीं पड़ता काम है मेरा चलो मैंने कौन समझा सारे चलो अगला कौन लेके आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, के बाद अगला है सातवें नंबर पे क्लेम आइडिया आप क्लेम आइडिया पढ़ना क्लियर बच्चे अब जो क्लेम आइडिया पढ़ोगे इस क्लेम आइडिया में आपको याद रखना कि ये प्रेगनेंसी के टाइम पे इन्फेक्शन होता है तो प्रॉब्लम ज्यादा होती है क्लेम आइडिया का इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में इंपॉर्टेंट है आप पढ़ना है इसको ठीक है इसके बाद है पीपीएच पीपीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप उन्हें पढ़ना इंपोर्टेंट है पीपीएच इसके बाद आपको पढ़ना है लेबर अब बातें लेबर बहुत बड़ा टॉपिक है और ओबीजी में लेबर के अलावा है ही क्या देखा जाए तो तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और कहां कहां से बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूं फॉल्स एंड ट्रू लेबर पेन क्लियर कॉन्ट्रेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक कॉन्ट्रेक्शन कितने सेकंड में होता है कितने इंटेंसिटी का होता है कितने टाइम तक चलता है वो सब अगर लेबर अटक गई है तो इंडक्शन ऑफ लेबर कैसे करोगे ये पढ़ना आपको ठीक है पोजीशंस अगर पोजीशंस माल पोजीशंस है या नॉर्मल पोजीशन है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए वो पढ़ना पड़ेगा इसकी लेबर की मैकेनिज्म के स्टेप कौन कौन से हैं नाम याद के जाओगे तो भी काम चल जाएगा स्टेशन ये मेरा पर्सनल फेवरेट है स्टेशन का मतलब पूछेगा प्लस वन प्लस जीरो प्लस टू प्लस थ्री वो आपसे ऐसे पूछेगा समझाए बच्चे तो याद रखना स्टेशन जीरो प्लस जीरो टू जीरो थ्री ये सब स्टेशन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में याद रखना और एक इसमें पूछेगा अगर लेबर टाइम से पहले हो जाए तो प्री टर्म लेबर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो लेबर में काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है तो लेबर में फॉल्स पेन ट्रू लेबर पेन के बारे में कॉन्ट्रेक्शन के क्राइटिस्टिक के बारे में इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में पोजिशन और माल पोजिशन के बारे में मैकेनिज्म के स्टेप पूछ सकते हैं नाम याद रखिएगा स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्री टर्म के जो लेबर है वो कैसे स्टार्ट की जाए उसके बारे में बात की जाती है तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे लेबर के अंदर क्लियर बच्चे और इसके बाद दसवें नंबर पे हम पढ़ेंगे हॉर्मोन्स और हॉर्मोन्स में आप पढ़ के जाना एस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोन इनका एक बार इनके रोल पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट ये तीन हार्मोन्स पढ़ के जाना प्रेगनेंसी में इनके रोल पढ़ के जाना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इस्ट्रोजन प्रोजेस्टोन और हार्मोन्स में कौन सा एस ये पढ़ के जाना आपको बहुत अच्छा लगेगा कोई बात नहीं जिसको तेरे को नहीं दिख रहा तो फिर तू यहां है क्यों बच्चे ले आराम कर चलो अगला है एससीजी स्ट्रोजन और प्रोजिस्टोन नेक्स्ट अगला कौन सा है बच्चे कोड प्रोलैप्स कोड प्रोलेप्स्ट कोड प्रोलेप्स के बारे में नर्सिंग केयर कैसे दी जाएगी कौन सी पोजीशन दी जाएगी इसके बारे में पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है एबोशन और प्रोम रप्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन) ये भी पढ़ के जाना बच्चे एक बात है तुम यहां आए क्यों अगर वो कोई बेस्ट होता तो मेरे पास क्यों आते मेरी क्लास क्यों देख रहे हो इसलिए यहां से कुछ मिल जाए एक्स्ट्रा कोई बात नहीं अरे कंपेरिजन बराबर वालों में होता है ठीक है पढ़ो तुम एबोशन प्रोम ठीक है बच्चे इसके अलावा एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज के क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें और के बारे में क्वेश्चन है ठीक है तेरह चौदह वहाँ अगला है एम नियो सेंटेसिस एम सेंटेसिस आज मैंने काफ़ी सारा कंटेंट दे दिया है लोगों को सुबह चिल्लाने के लिए यूट्यूब पे काम है मेरा मैं कभी कभी तो आता हूँ मैं कंटेंट नहीं दूंगा तो काम कैसे चलेगा आज मैंने काफ़ी कंटेंट दिया है अब इस पर कई सारे वीडियो बनेंगे मेरे कंटेंट पे ठीक है बच्चे काम है ये यही तो है फिर बाकी तो जितनी चलती रहनी चाहिए ना तो आज मैंने काफ़ी कंटेंट दिया है आप लोगों को तो वो कंटेंट आप अपने साथी को आगे देंगे वो समझेगा इसको उस पर कल एक नया वीडियो बनेगा कल और गालियां आएंगी चलता रहेगा दौर दैट so इज क्या है एपीएच और दैट इज एम क्लियर बच्चे सर पूरा ओबीजी आ गया इसमें हाँ तो तू ओबीजी आता आता छोड़ जाना मैं 148 टॉपिक दे रहा हूं तो पूरा और मैं आठ सब्जेक्ट में दे रहा हूं इसमें पूरा ओबीजी है इसमें है प्रेगनेंसी प्रेग्नेंसी इसमें है मोला प्रेगनेंसी है क्या इसमें डेढ़ सौ तो टॉपिक छोड़े हैं मैंने चलो कोई ना पंद्रह पंद्रह टॉपिक कौन सा बेटा? आपको सिर्फ पढ़ने, है। मैं फिर कह नहीं के न, के पढ़नी है और किस किस की, पेल्विस की? और स्पीटल इस स्कल की इनकी सिर्फ आपकी डायमीटर की वैल्यू पढ़नी है वो की वैल्यू एग्जाम में पूछ सकता है क्लियर है इसके बाद कौन सा है सोलह सोलह नंबर पर क्या है लियोपोल्ड मैन्यूवर लियोपोल्ड मैन्यूवर आपको पूछ सकता है एग्जाम ये स्पेसिफिक टॉपिक बता रहा हूं मैं एग्जाम में फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ में से कोई पूछ सकता है याद रखना लियोपोल्ड मैन्यूवर आपको पढ़ के जाना एग्जाम के लिए अब पूछेगा कौन सा परप्यूरियम प्यूरियम में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तो लोकिया पढ़ के जाना इसे लोचिया कहते हैं और एक मेस्टाइटिस क्या पढ़ के जाना मेस्टाइटिस तुम को देख के सुकून आता है मुझे बहुत बड़े बच्चे सबसे पहले वैक्सीन बीसीजी नहीं लगती है भाई कोई कुछ भी बताएगा बताने मैंने कहा ना सेल्फ इंटर सेल्फ एन एस कोर्स भी आएंगे रुक जाओ अभी कुछ टाइम में ज्ञान ही तो ज्ञान है जा क्या रहा है बोलना ही तो यूट्यूब पे समझ आया बच्चे प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी ये अठारह पॉइंट ओबीजी में जो आपको पढ़ने हैं अब एक बच्चा कह रहा है सर तो सारी ओबीजी आ गई सारी ओबीजी 120 टॉपिक की होती है और मैंने आपको अठारह टॉपिक तो रहा है बच्चे तो आपको मैं अब आपको चार टॉपिक बताऊं चार से क्या होगा एक ही बता देता हूँ उसमें से आएंगे दो सौ क्वेश्चन कुछ भी पेपर सी एच ओ का नहीं हो रहा है सौ सौ क्वेश्चन का दो सौ क्वेश्चन का पेपर हो रहा है टॉपिक ज़्यादा लगेंगे बच्चे टॉपिक ज़्यादा लगेंगे मतलब आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ये तो कम करके बताए मैंने अट्ठारह टॉपिक तो आपको इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए परिपूरम कब से स्टार्ट होता है मैं बता चुका हूँ परिपूरम कब से स्टार्ट होता है लास्ट टाइम लास्ट ईयर इसी पे बहुत महावारत हो रहा था दस बार आंसर दे दिया मैंने इसका सुनील शर्मा पंद्रह टॉपिक क्यों होती है तो बढ़िया है तीन मैंने बताएं इनको याद कर ले तेरे टीचर ने पंद्रह बताएं मैंने अठारह बता दिए तीन नए टॉपिक लेके जा रहा है तो। देख ना तेन यहां आते आते मैंने तीन तो एक्स्ट्रा बता दी इंपोर्टेंट में तुझे पंद्रह आते थे पागल चलो और मैं हूं मैंने पहले कहा था मैं सबके लिए नहीं हूं ठीक है कितने हो चुके हैं पांच सब्जेक्ट ठीक है सब्जेक, बच्चे आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग फॉर वन एंड ओनली पीडियाट्रिक छठवें नंबर पर हम पियाट्रिक के बारे में बात करेंगे टॉपिक बड़े हैं सब्जेक्ट भी बड़ा है तो ऐसा नहीं कि आपको लगे सर के ये है ना कैसे करेंगे कैसे देखो मैं आपको टॉपिक के नाम बता देता हूँ पढ़ने आप ही को पढ़ेंगे क्लियर चलो पहला टॉपिक पियाट्रिक का सबसे पहला टॉपिक है डाउन सिंड्रोम आप इसे पढ़ के जाना इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ठीक है बच्चे डाउन सिंड्रोम के बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है अगला है केयर ऑफ न्यूबॉर्न केयर ऑफ न्यूबॉर्न वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है पर आप इसमें ये खासकर पढ़ के जाना अपगार क्लियर है अम्बलिकल कोड केयर और बच्चे कौन सा हेड टू फुट एग्जामिनेशन हेड टू फुट एग्जामिनेशन ये आपको पढ़ के जाने हैं किसके लिए बच्चे केयर ऑफ न्यूबॉर्न में पहला डाउन सिंड्रोम है दूसरा केयर ऑफ न्यूबॉर्न है ठीक है तीसरा अंदर है जौन्डिस। जौन्डिस में क्या खास है एक तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन और सबसे इसमें विटामिन e का के e क्यों देते हैं है? जॉन्डिस के टाइम पे विटामिन e देना क्यों जरूरी है तो जॉन्डिस जब भी पढ़ो तो ईटी के अलावा विटामिन ई e पे खास ध्यान देना e का क्या रोल है बच्चे, कितने हो चुके हैं जो तीन नंबर चौथे पे है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आरडीएस आरडीएस को आप पढ़ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आरडीएस में इसके जितने टेस्ट मैंने बताए सारे पढ़ के जाना अगला है बच्चे बेबी ऑफ डायबिटिक मदर बेबी ऑफ डायबिटिक मदर इसके अलावा आपको बेटा कौन सा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस देन अगला है डिहाइड्रेशन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए क्लियर है ये सब मैं पढ़ा चुका हूं नेक्स्ट है पाइलोरिक स्टेनोसिस कौन सा है पाइलोरिक स्टेनोसिस नवे नंबर पे हिस्प्रंग डिजीज ममता अडवाणी नहीं बेटा कहाँ मेरे बारे में बुरा बोलने से अरे मेरे बारे में सब तरह की बातें होती हैं अच्छी बुरी सब फर्क नहीं पड़ता बातें होती रहनी चाहिए ये इंपॉर्टेंट है अच्छी बुरी का फर्क नहीं है बच्चे तो क्या हो गया स्प्रिंग डिजीज ठीक है बच्चे आफ्टर स्प्रिंग डिजीज के बारे में क्या बात करेंगे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट क्लियर ग्यारह थ्योरीज एंड माइलस्टोन थ्योरीज क्या है जितनी थ्योरीज हैं उसमें आपको क्या पढ़ना है मैं बता दूं मत होना का नेम, given by, और स्टेज की एज बस मॉडल है. रटना है तो इन तीन चीजों को रट लो ये इस थ्योरी को पढ़ने में पांच मिनट लगेंगे पांच मिनट मात्र अगर ये तीन चीजें पढ़ोगे तो नेम किसने दी और कौन सी स्टेज किस स्टेज में होती है दैट्स इट एग्जाम्पल ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को पढ़ लेना पूछ सकता है ठीक है बच्चे चलो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स हो गया ठीक है इसके अलावा माइल में बच्चा कब बैठता है कब खड़ा होता है कब कब चलता है कब दौड़ता है कब पेन पकड़ता है वो बड़े आसान है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो पढ़ चुके हैं उनको एक घंटे में पूरा रिवाइज हो जाता है जितने माइल स्टोन है तो थ्योरीज में तीन चीजें हैं इसके अलावा आप क्या पढ़ लेना माइल स्टोन क्लियर इसके बाद क्या पढ़ना है सर आपको ऑटिज्म ऑटिज्म के बाद क्या है बच्चे हाइड्रोसिफेलस इसके अलावा हाइड्रोसिफर क्या है एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपको लग रहा है ये तो इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें इसके बाद ये पर्सनल फेवरेट है मैं स्टार बना रहा हूं चाइल्ड अब्यूज फिर ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग के बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस ये मेरा इंपॉर्टेंट है सिस्टिक फाइब्रोसिस सिस्टिक फाइब्रोसिस के बाद आरएसवी आरएस वी के बाद क्रूप क्रूप के बाद क्ल फुट इसके बाद हिप डिस्प्लेसिया इसके बाद ए एस डी वी एस डी क्लियर इसके बाद डी ए पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोस क्लियर इसके बाद कोआक्टेशन ऑफ आयोटा को आक्टेशन ऑफ आयोटा के बाद टेट्रोलॉजी ऑफ फेलट और इसके बाद है र्यूमेटिक फीवर क्लियर इसके बाद एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लेडर इसके बाद हीमोसिस एंड सर्कमसीजन क्लियर इसके बाद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसके बाद हीमोफिलिया सिकल सेल एनीमिया और थैलेसिमिया इसमें टॉपिक ज्यादा हो गए पर कोई ना मैं जानता हूं हंड्रेड परसेंट जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उन्हें इन बत्तीस टॉपिक को रिवाइज करने में मात्र एक दिन लगेगा जिसने मेरी क्लास पूरी ले रखी है ना आपको अच्छे से पता है कि सबसे ज्यादा इजी रिवीज़न अगर किसी सब्जेक्ट का है तो पियाट्रिक का है आपको इन बत्तीस टॉपिक को पढ़ने में एक दिन लगेगा गारंटी के साथ अगर आपने क्लास अटेंड कर रखी है मेरी तो नहीं कर रखी तीन चार दिन लग जाएंगे पर अगर आपके पास आप क्लास में बैठ के नोट्स बनाए आपने तो आपको इन टॉपिक को कवर करने में मात्र एक दिन लगेगा कावासा की नहीं है एनस नहीं है सब कुछ नहीं है जो है वो लिखा है सबसे ज्यादा इजी की सब्जेक्ट का है ना तो पिएट्रिक का है रीजन है क्लास तुमने बहुत अच्छे सुनी और पढ़ाई भी ठीक ठाक ही था तो बेटर रिवीज़न आपको जल्दी हो जाता है ठीक है बच्चे अब आप सबका इंतजार खत्म आई एम गोइंग टू स्टार्ट एम एस एन एमएसएन लार्ज सब्जेक्ट है जीनोमिक की एमएसएन तीन सौ घंटे की है जितना बाकी सब सब जितना बाकी सारे कोचिंग वाले मिलाकर पढ़ाते हैं ना नर्सिंग इतना तो जीनोमिक में एम पढ़ाई जाती है तीन घंटे के एम है तो इतने ज्यादा टॉपिक हैं एम के समझ आए बच्चे वो सब आपको पढ़ने हैं अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वन बाई वन थोड़ा टॉपिक ज़्यादा हो सकते हैं पर कोई ना एग्जाम में इससे बाहर ना जाए ये इंपॉर्टेंट है दो तीन टॉपिक एक्स्ट्रा हो जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्रैश कोर्स अब मार्केट में आ गए क्रैश कोर्स क्रैश करवाएंगे बड़ा, उड़ाएंगे थोड़ी जिसका नाम ही क्रैश है वो क्रैश ही तो है तो पीडिया थ्योरी यूट्यूब पर पढ़ाए हैं क्या नहीं नहीं मैं यूट्यूब पे बेटा मैंने पढ़ाया उतना ही है वेरी गुड चलो अगला स्टार्ट करें नाउ नंबर फर्स्ट एमएसएन में आपको सबसे पहले पढ़ के जाना है हाइपर टेंशन समझ में बच्चे तनाव पढ़ के जाना है तनाव के बाद मायोकार्डियल इंफेक्शन मायोकार्डियल इंफेक्शन आपको पढ़ना है किसके बाद हाइपर टेंशन के बाद इसके बाद, इस बाद है हार्ट फेलियर चौथे नंबर पर है बच्चे सी एडी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज डिटेल में मत पढ़ना पर आपको नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूर पढ़नी है याद रखिएगा नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूर पढ़नी है इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है एन्यूरिज्म एन्यूरिज्म के बारे में पढ़ना सर ने पढ़ा रखा होगा और फिर है मिट्रल वॉल्व एबनॉर्मेलिटी मिट्रल वॉल्व एब आपको यह पढ़नी है ठीक है बच्चे कितने पॉइंट हो चुके हैं छ फिर आपको पढ़ना है थ्रोम्बोफेलेबाइटिस थ्रोम्बोफेलेबाइटिस इसके बाद क्या पढ़ना है मैनेंजाइटिस इसके बाद क्या पढ़ना है मैन सीबीए क्लियर देन सीजर सीजर के बाद गुलियन बार सिंड्रोम गुलियन बार सिंड्रोम आपको पढ़ना है ठीक है बच्चे इसके बाद एल्जाइमा डिजीज कौन सी पढ़नी है अल्जाइमर डिजीज अल्जाइमर के बाद पार्किंसन कौन सा पढ़ना है पार्किंसन क्लियर बच्चे इसके बाद स्पाइनल इस कोड इंजरी स्पाइनल कोड इंजरी के बाद मल्टीपल स्केलरोसिस सर प्लीज मेक अवेलेबल लास्ट ईयर नोट सेट क्वेश्चन क्लासेज विच आर प्रिपेर प्राइवेटेड तो बच्चे एक बार मैं सब कर दूंगा पहले एक बार आने दे डेट उसके बाद ही सब कुछ होगा ठीक है बच्चे ठीक है बच्चे सोलह सिक्सटीन नंबर पे हम क्या पढ़ रहे हैं है? बेटा मल्टीपल स्कर्स के बाद आपको पढ़ना है डंपिंग सिंड्रोम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के जाना छोटा सा टॉपिक है आपको पढ़ना है ठीक है डंपिंग सिंड्रोम के बाद आपको पढ़ना है लिवर सिरोसिस सिरोसिस इसके बाद क्या पढ़ना है पैंक्रियाटाइटिस पैंक्रियाटाइटिस के बाद गैस्ट्रिक अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर के बाद अल्सरेटिव कॉलाइटिस अल्सरेटिव कॉलाइटिस इसके बाद बाउल ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के बाद क्या पढ़ना है कॉलिसटाइटिस क्लियर है देन ये है फाइव स्टार डायबिटीज मेलाइटस डायबिटीज मलाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसे ढंग से कवर कर लेना ठीक है बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में डायबिटीज मलाइटस और इंसिपीडस दोनों से क्वेश्चन आएंगे आपको क्लियर बच्चे ठीक इसके बाद इसके बाद है पैराथाइरोडिज्म हाइपो क्लियर बच्चों इसके बाद है अस्थमा अस्थमा के बाद है सीओपीडी सीओपीडी में बेटा आपको याद होना खासकर आप न्यूमोथोरेक्स के बारे में जरूर पढ़ जाना जो कि एम्फाइसीमा के बाद होता है एम्फाइसीमा यानी इसके अंदर ही आता है और क्या न्यूमोथोरेक्स ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आप जब पढ़ोगे सीओपीडी ठीक है सत्ताईसवें नंबर पे बेटा क्या है सत्ताईसवें नंबर पे न्यूमोनिया निमोनिया के बाद है पल्मोनरी एडिमा के लिए बच्चे इसके बाद क्या है आप यह इंपॉर्टेंट बना लेना एसिडोसिस और एलकेलोसिस किस किस केस में कैसे कैसे होते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होगा मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक कब कब होगा होगा एसिडोसिस एसिडोसिस कंपेंसेटरी कैसे होते हैं वो जरूर पढ़ के जाना एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आपको जानने को जरूर मिलेगा क्लियर है इसके बाद क्या पढ़ना है टॉन्सिलेक्टोमी पढ़नी है टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसके अलावा टी यू आर पी करते हैं

क्लियर बच्चे इसके बाद है रीनल कैलकुलाई रीनल कैलकुलाई के बारे में पूछेगा ठीक है इसके बाद है ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस ग्लो नेफ्राइटिस क्लियर इसके बाद क्या है शॉक ये हो गया क्या बेटा शॉक शॉक के बाद क्या होता है यूटीआई क्या हो गया यूटीआई यूटीआई के बाद ल्यूकेमिया क्या हो गया बच्चे ल्यूकेमिया क्लियर है ल्यूकेमिया के बाद आर्थराइटिस क्या कहाँ डिबेट चल रही है बच्चे मैं फ्रेशर रूम में कैसे प्रिपरेशन करूं बच्चे अभी तो बेटा मैं जो टॉपिक करा रहा हूं वो कर ले तू मैं एक बार मैं इनको नाम लिख ले मैं जो बता रहा हूं यही तैयारी है बेटा फ्रेशर की भी फ्रेशर का पेपर अलग से नहीं आता बेटा फ्रेशर का पेपर साथ ही आता है नॉट सेट का अलग से नहीं लेते वो फ्रैक्चर के बारे में पढ़ के जाना फ्रैक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे ट्रैक्शन मैं स्टार बना के लिख रहा हूँ तो भूलना मत ट्रैक्शन और रिडक्शन ये दोनों पढ़ना आप ट्रैक्शन और रिडक्शन दोनों पढ़ के जाना ठीक है बच्चे ठीक इसके अलावा कौन सा है लाइम सिंड्रोम सॉरी लाइम डिजीज लाइम डिजीज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपको पता ही है बोरेलिया बर्गो क्या बर्डो फेरी ऐसा नाम है उसका बर्ग डो फेरी नाम है उससे होता है ये फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं जॉइंट पेन होता है ये लाइम डिजीज़ को पढ़ के जाना क्लियर ठीक है इसके अलावा कौन सी है मेनियर डिजीज ये इनर ईयर की प्रॉब्लम होती है इसके अंदर वर्टी को कॉमनली देखा जाता है आपको सर ने पढ़ा रखी लिखी पढ़ लेना ठीक है इसके बाद है बर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बर्न से पढ़ के जाना क्लियर और इसके बाद है लूपस एरिदेमेटस लूपस एरिमेटस एक ऑटोम्यून डिजीज होती है आप उसे पढ़ना अच्छी इंपॉर्टेंट है ग्राफ्ट ग्राफ्ट के बारे में पढ़ के जाना ऑटोग्राफ्ट हीमोग्राफ्ट जीनोग्राफ्ट जो भी होते हैं कैसे लगाते हैं वो पढ़ के जाना रिफ्रेक्टिव एरर याद रखना रिफ्रेक्टिव एरर जिसके अंदर मायोपिया है हाइपर है प्रेस बायोपिया है वो सब रिफ्रेक्टिव एरर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है तो ये हो गए फोर्टी बच्चे और एक लास्ट पढ़ लेना हेड इंजरी तो ये टोटल एमएसएन के पॉइंट हो गए बेटा कितने 46 आपने कहा इतने ज्यादा तो नहीं है पूरी पूरे एमएसएन के, के। समझ आया बच्चे तो ये याद रखना जितने पॉइंट मैंने आपको बताया एमएसएन का सिलेबस थोड़ा बड़ा है तो पॉइंट भी बड़े हैं आप इन्हें इस प्रकार मत सोचिए कि इसके पॉइंट कम हैं या सर इतना कैसे पढ़ेंगे सर ऑफलाइन और बेस्ट है कि ऑनलाइन जब टाइम मिले तो ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन पढ़ने आ सकते हो तो ऑफलाइन बेस्ट है और नहीं आ सकते ऑनलाइन बेस्ट है प्लीज टेल मी सर बता दिया बेटा ग्लूकोमा कैट्रैक्ट सब छोड़ दिया मैंने टाइम है आप पढ़ लेना टाइम नहीं है तो इन टॉपिक को पढ़ लेना इतने सारे टॉपिक को स्टडी कैसे करेंगे वाओ यार फिर तो पूरा सिलेबस कैसे पढ़ता बेटा बच्चे तो ये सारे और जिनको टॉपिक ज्यादा लग रहे हैं ना वो पूरा सिलेबस पढ़ो जिनको कम लग रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं हम तो ठीक है बच्चे चलो इसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च एंड मैनेजमेंट रिसर्च और मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है आपको बच्चे रिसर्च और मैनेजमेंट में पहले नंबर पे आपको पढ़ना है सैंपलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है सैंपलिंग सैंपलिंग के बाद बेटा क्या पढ़ना है आपको हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद क्या पढ़ना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या पढ़ना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट और चौथे नंबर पे है रिसर्च डिजाइन कौन सा है रिसर्च डिजाइन फिर फिर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और लास्ट टॉपिक है मटेरियल मैनेजमेंट इतना आपको पढ़ना है रिसर्च और मैनेजमेंट मिलाकर दो सब्जेक्ट में समझ आए बच्चे तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने रिसर्च और मैनेजमेंट में सबसे बड़े टॉपिक जो मैंने दिए हैं वो आपको एमएसएन और पी में सबसे ज्यादा दिए हैं पर ऑप्शन कोई था नहीं मैंने मैं नहीं चाहता था कि मैं चार टॉपिक कम करूं सौ के अंदर लाके आपको दिखाऊं और बोलूं कि ये पढ़ के जाना फिर इसमें से पांच क्वेश्चन बाहर चले जाएं तो थोड़ा दुख होता तो बेटर है मैंने मेरे हिसाब से पूरी तैयारी के बाद एनालिसिस के बाद चार पांच दिन मेहनत के बाद मैंने आपको इतने टॉपिक बताए हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए समझ समझा बच्चे सर ये क्लास लाइव है रिकॉर्ड है कैसा लग रहा है तुझे अमीना जी ये मैंने उन्नीस में रिकॉर्ड करी थी और आज मैं तेरे कमेंट पढ़ रहा हूँ मुझे पता था कि ये 2023 में बंदा आके कमेंट करेगा तो कमेंट मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था देख रहा है तू सवाल का लेवल देख रहा है समझ में आ रहा है तुझे तो बच्चे इतने सारे टॉपिक मैंने आपको बताए हैं मैंने कोशिश ये की है कि कोई पॉइंट ऐसा ना हो कि जो कवर नहीं हो पाए फिर भी मैं ये कह नहीं कह रहा कि 200 सौ क्वेश्चन इसमें से आएंगे पर मोर देन 150 ऐसा अनुमान है मोर देन 150 फिफ्टी क्वेश्चन इसमें से आएंगे तो बच्चे अगर वो आएंगे आप पढ़ोगे आप सारा पढ़ना आप सारा पढ़ना आप सारा पढ़ोगे तो बेटर यह रहेगा बेटा कि आपको ये पॉइंट जो मैंने बताए इन पे ज्यादा ध्यान दे देना अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप सारा पढ़ो पर जो मैंने पढ़ाए ना उन उनपे ज्यादा ध्यान ध्यान देना आप उन ज्यादा दोगे तो उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा क्योंकि जब हमें यह यह पता रहता है कि ये है कि तो हम ज्यादा ध्यान देते हैं और जब ज्यादा ध्यान देते हैं तो हमें याद भी ज्यादा होता है और वही मैं आपको बता रहा हूं आपको ज्यादा याद हो जाएगा अगर आप खाली यही पढ़ना चाहते हो तो आप यह पढ़ लो तो भी काफी कुछ हो जाएगा पर फिर भी मैं इस बात की गारंटी नहीं दे रहा कि मैं ब्रह्मा हूं मैं भविष्य देख सकता हूं भविष्य मैंने नहीं देखा जो मुझे इंपोर्टेंट लगे मेरे हिसाब से मैंने वो आपको बता दिए आप इन पर ज्यादा ध्यान देना आप सारा पढ़ लेना मैं मना नहीं कर रहा कई बच्चों ने तो कुछ डिजीज पहली बार सुनी है कुछ बच्चों ने तो कुछ डिजीज पहली बार सुनी है तो अगर मैं ये डिजीज के नाम ही नहीं लेता तो तुम्हें तो पता भी नहीं पड़ता और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता तो तुम टिक क्या करते नहीं आए तो क्या करोगे आप कपिल चौधरी तेरे तू क्या करूंगा पता तेरे घर आ जाऊंगा नौकरी देने तुझे मैंने कब कहा के तू ये पढ़ मैं तो उन्हें कह रहा हूं जिन्हें ये पढ़ने हैं मैं तो कह रहा हूं कि ये आप थोड़े ज्यादा ध्यान से पढ़ लेना तुझे लगता है कि लेबर में से क्वेश्चन नहीं आएगा तुझे ऐसा लगता है तुझे लगता है कि पीआईजी में से क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहां से आएगा क्या पूछेगा जीएसटी कौन से महीने में भरते हैं यह पूछेगा कुतुब तो कुतुब तो मीनार कब बनवाई थी ये पूछेगा जल्दी आएंगे जी ने बच्चे मेरा काम बच्चे ये है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं कि आप इन टॉपिक को ज्यादा अच्छे से पढ़ लीजिए ठीक है बच्चे बाकी आपको सारा पढ़ना आप सारा पढ़ो मैं तो खुद चाहता हूं आप सारा पढ़ो थ्योरी एक बार रिवाइज करके एमसीक्यू करना बिना थ्योरी के एमसीक्यू मत करना मैं फिर कह रहा हूँ पहले थ्योरी चाहे फास्ट रिवाइज करो पर थ्योरी रिवाइज करके एमसीक्यू करना है सीधा एमसीक्यू करके कभी किसी कुछ, कुछ नहीं होता और कोई फ्रेशर है जो ये सोच रहा है कि मैं ये नोट्स निकाल दूंगा भगवान भरोसे पढ़ाई करो वो चांस कम है झूठी तसल्ली नहीं देता नर्स का सबसे पहला काम फॉल्स रेंसोरेंस ना देना और तुम आग लगा दोगे फाड़ दोगे ये चीट दोगे ऐसी बातें नहीं कर पाते तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे एग्जाम में आधे क्वेश्चन में तुम्हें हवा भी नहीं लगेगी फ्रेशरों को आधा तुम्हें यह लगेगा ये नर्सिंग है क्या ये सच है मैं लंबी लंबी चार साइज सुना दूं और तुम तुम्हें जोश भर दूं जोश वहां भरा जाता है जहां पर उम्मीद है बच्चे मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारा नहीं होगा पर तुम्हारा चांस कम है कंपेयर टू उनके जो पहले पढ़ चुके हैं एनाटॉमी में बेटा डिजीज से रिलेटेड एंड पढ़ लेना काफी है तू बार-बार एनाटॉमी क्यों लेके आ रहा है ठीक है बच्चे चलो आज के लिए इतना काफी है और भी कुछ ज्यादा सर थ्योरी ज्यादा पढ़े या एमसीक्यू पहले थ्योरी पढ़ चाचा फिर एमसीक्यू निकालियो दस बार पूछते हो एक ही चीज <laughs> बस ठीक है बच्चे चलो अपनी खत्म करते हैं आज की क्लास आई होप आपको आज की क्लास काफी बेनिफिशियल लगेगी पढ़ते रहिए ठीक है और कोई भटकती आत्मा रहेगी हो तो पूछ लो कुछ तब तक के लिए गुड नाइट शुभरात्रि सबक है ठीक है बच्चे पढ़ते रहिए बेस्ट ऑफ लक जल्दी मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन सेशन के साथ पर डेट आने के बाद नई इंफॉर्मेशन के साथ पर कुछ इंफॉर्मेशन आने के बाद जब तक कुछ आएगा नहीं तब तक मिलेंगे नहीं जब तक मिलेंगे इतना कंटेंट दे दिया कि आप पढ़ते रहेंगे तो आपको पढ़कर काफी सहायता मिल जाएगी एग्जाम में ठीक है बच्चे चलो टेक केयर